रो रहे हैं कि हमारी लड़की से बात हो जाए। इनके परसों गए थे चौकी पे, इनके आदमी को भगा दिया गया कि चल भाग चले। इस तरह का आपत्तिजनक शब्द करके सर, हम सर ये बताइए, हम आपसे न्याय नहीं गुजार करने किससे कहेंगे सर? हम सर एक जाति समुदाय के हैं, तो हमें जाति संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम एक गैर ब्राह्मण हो, तुम्हें नहीं पता जाएगा। मैंने माननीय कोतवाल साहब को बताया तो कोतवाल साहब हमें डांट के भगा दिए, बोले कि नौटंकी जो तुम करवा रहे हो ना, तुम्हारी नौटंकी वो करवा देंगे। इनको भी भगा दिया आपत्तिजनक तरीके से। माननीय कोतवाल साहब मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, और दरोगा जी तो सर मैं क्या बताऊँ, कोई सुनवाई नहीं की। सर बताइए, अगर ऐसे होगा कल के दिन अगर ये कुछ कांड करती है तो यही हमारी न्यायपालिका है। यही ना सर, मैं भी शिक्षित इंसान हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ सर। पिछले दो महीने की बात है, नाबालिग लड़की 15 साल की सलोनी पांडे, उसे घर से अगवा करके देखिए पीछे घर है राहुल निषाद, सनी निषाद और सुंदरम निषाद, उन्होंने अगवा करके उस लड़की को ले गए हैं। उसी के टेंशन में उसके भाई ने जहर खाया था, लड़की के भाई ने, तो महादेव की कृपा से वो बच गया, लेकिन उसके पिताजी का ये रहा नहीं गया, ऑटोमेटिक बिना खाना दाना के छोड़ दिए थे, देख कर गया। हमने चौकी गया, हम चौकी गए, उसके बाद कोतवाली गए, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कमिश्नर के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये महिला बेचारी मुख्यमंत्री पटल पे दो बार 15 साल की लड़की सर ही राहुल निषाद और सुंदर निषाद और क्या बोला था सनी निषाद। दरोगा साहब क्या कह रहे थे? दरोगा साहब कहा था कि ऐसा ना कि कहीं मिले लड़की तो तुम के बतावा, हम खोज के लिए आई। दरोगा साहब कह रहे हैं कि अगर लड़की मिलेगी तब देखा जाएंगे, ना तो तुम लोग खोज लो, तुम लोग बताओ तो मैं खोजूं। यानी बताइए सर, पुलिस को मतलब प्रशासन का मतलब यही कि मतलब कोई भी अगर घटना घटित होता है तो हम खोजने जाए, उस वारदात को हम अगर अंजाम दें। सबसे बड़ी बात यह है कि सर इनके लड़के के ऊपर इंस्टाग्राम पे धमकी दिया था कि तुम एक घर ब्राह्मण हो, हम 300 घर मल्ला है सानी है और तुमको इसकी कड़ी सजा दे देंगे, और धमकी दिया था और ईंट पत्थर चलाया था घर पे। और उसके बाद लड़की गायब होने के बाद 8 महिला, जिसका वीडियो प्रमाण हमारे पास है, वीडियो साक्ष्य है, 8 महिला इनके घर पहुंच के इनके धमका रही है कि आप अपना केस वापस ले लो, तुमको मार देंगे। अच्छा, आपकी मांगे क्या है आप लोगों? हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले हमें न्याय मिले और उन पे उचित कार्रवाई हो, और मान ये दरोगा और कोतवाल को सस्पेंड किया जाए क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। और हमारे और कोतवाल ने पैसा भी लिया हुआ है, पैसा भी लिया है। तीन सौ हम लोग मल्ला है, तुम एक घर ब्राह्मण हो, तुमको मानने पर रोक नहीं पाएगा। और उसी दिन सर 8 महिलाओं का ग्रुप बनाकर हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास प्रमाण है, वीडियो घर में घुस के इनको हड़काया जा रहा है कि अपना मुकदमा वापस लो। जितनी बार इन्होंने हमको अप्रोच किया होगा उतनी बार हमने हर चीज इनके साथ किया। कौन सा इनसे सर अभी ये गई होगी इनके साथ सर? श्रीमान मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि वो लड़की अभी भी जिले के अंदर है, क्योंकि जानते हैं वो अभी भी बात करते हैं, बस ट्रू कॉलर पे अलग अलग नंबर से बात करते हैं। आज उसकी माँ भी लापता है, गायब हो गई है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,